मैं तुम तो बहुत बदतमीज हो, तुम मुझे मजाक ही बनाती रहती है, कूड़ा इसमें मत रखना, इसमें रखना, ठीक है। तो गाइज आज की मॉर्निंग हमारी कुछ इस तरीके से, आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, कर लिया, झूठ नहीं बोलते हैं, सच्ची झूठ नहीं बोलते हैं, कर लिया, झूठ ही बोलते हैं, करा नहीं है। तो गाइज हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है सुबह सुबह, और अब हम बनाने जा रहे हैं शाही वेज बिरयानी। तो हमने चावल फूलने रख दिए हैं तुत्तर में, देखो कुकर में और प्याज हमारी कट चुकी है, बावर्ची ने काट दी। तो अब हम बनाने जा रहे हैं शाही बिरयानी, तो उसके लिए हम मैगिनेशन कर लेते हैं बड़ा फट से, है कुमा? सारे तो मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत है। तो सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे हम, वो मैं करके दे रहा हूँ, वो आप करके देंगे, ठीक है। और आप लोगों को तो पता है हमने रात गुलाब जामुन बनाए थे, ये रे गुलाब जामुन बढ़िया लग रहा है देखने में, पिछकुल्ला वाला नीचे कर दिया। पिछकुल्ले वाला हम खा लेंगे, तो गाइस को जिक्र करना चाहिए, गाइस सब सुन रहे हैं मेरे को, कौन है क्या मेरा, और क्या, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कोई पिछकुल्ला ही नहीं। चलो अब इधर आटो, पहले मैं आलू वगैरह काट लेती फिर दिखाती हूँ गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो पहले मैंने इसमें सोयाबीन डाल दी, अब ये हमारे जो वॉश हुए हुए आलू हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे, और ये अदरक लहसुन और मिर्चें इसका हम पेस्ट बना के वो भी इसके अंदर डाल देंगे, ये दही रखा है ये भी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। डाल ये बना लिया हमने पेस्ट, अब ये पेस्ट हम इसके अंदर डालेंगे, और ले भूनगा ये हो रही गाइस हमारी प्याज फ्राई, और ये हमारी कमुआ ढीट, हमारी कमुआ ढीट, कमु पकड़ ले, तेरी मम्मी का फेमस डायलॉग मारू, बेहोश लौट दिया। ये है हमारा पिसा हुआ गरम मसाला, हम ये भी डालेंगे थोड़ा सा, इन सबको मिक्स करेंगे, ये नींबू काट के डाल दूंगी मैं, नींबू का रस भी निचोड़ सकते हो साहब, आप नींबू काट करके भी डाल सकते हो। क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या डाल रहा है इसमें, ये सौंफ धनिया पीसा है मैंने, आइए मत दिखा, तेरी ये मत दिखा, मैं तो दिखाऊंगा, ये देखो शेक इट शेक इट शेक इट, अभी गया ये, आ हा हा, मुझे इसमें मत डाल, चटनी बनानी है, अब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, चिली पाउडर, चिली पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाला मैंने डाल दिया, डाल दिया धनिया के साथ भी डाल, सब्जी किंग, चल सब्जी किंग, सब्जी बन रही है, किचन किंग है वो, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी बस, चावल किससे निकाले तूने, इतना थोड़ी सी, इस वाले इतना नहीं, चावल किसमें से निकाले, किसमें से निकाले, फ्राई कर लिए, अरे थोड़े से डालनी है भुने हुए प्याज, अनियन, अनियन ब्लैक अनियन, छाड़े इसमें डालेगी क्या, थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी बस, और बाकी अब थोड़ा सा पुदीना और धनिया बस, इसके बाद कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है, उसके बाद दिखाएगा मैं मिला सुला लेगी, ठीक है। मैं तेल गर्म कर रही हूँ, और ये मैंने खड़े मसाले निकाल लिए हैं कुछ, ये रहे, और ये मैं इसमें डाल दूंगी, तेल मेरा बहुत अच्छे से हो चुका है,
काली मिर्च फूटेगी भैया, पीछे हो जाइयो, फिर मुझे मत बोलियो। और ये मैं इसमें इसके अंदर डाल दूंगी, तुम पकड़ के थोड़ी देर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यार, मैं डाल दूं, मरवा दो मुझे, मुझे मरवा दो तुम, तू ही तो मरेगी बस। हाँ तू तो मरेगी बस, कैसा डालू, लहट हाथ बात होने लगवा लेना तेरी तरह बेवकूफ ना, मुझे बहुत डर लगा था सही बताऊं तो, ऐसे डाल दो उठा के। और ये आलू गलने देंगे, जब ये आलू गल जाएंगे तब हम इसको दिखाएंगे हम क्या करेंगे। आप टेस्टी लग रही है तो गाइस, जब तक हमारे ये फ्राई हो रहा है और जब तक ये आलू वगैरह गल रहे हैं, आराम करो तुम, जमाते बैक्टीरिया बैक्टीरिया चटनी में घुसेड़ दूंगी मुंह। तो यहाँ तक ऐसे कर चेक करा, यहाँ तक कर दिया मेरे पूरा चेहरे में बेचारा उन्होंने लग गई। किससे बता रही है गाइस से, और किससे ऐसे कर दिया है दांत में, है धुंधला कैसा हो गया, आसमान में क्या चले गए हम, वो क्रिस्टीन इसको कपड़े साफ कर दूंगा। अब सही, अब तो और ज्यादा वाइट हो गया। लो चटनी तैयार, ये इधर सही है, चलो इतनी सी चटनी बनाई है देखो, नाम चाल की पानी डाल दिया चावल बॉईल करने रख रही हूँ। ये देखो गाइस मैंने चावल का, चावल अच्छे से धो लिया है कुकर में ही, कुकर मैंने फूलने रख दिया था, चावल मेरे फूल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े खड़े मस्त पानी, क्यों आएगी आजकल चावल भी फूल जाते हैं, चावल फूल जाते तो देख मैं देख कमो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, बोलती रहती हूँ मुझे अच्छी लग रही बर्तन घिसती भी किसो, मैं तुमसे ये भी नहीं बोलूंगी छोड़ दो बर्तन चाहे, लो गई इलायची मेरी माँ, अच्छे लग रहे हो तुम ऐसे बर्तन धोते हुए, धो यही तो जाए तुम्हारे, तूने मुझे बोला है क्या बार बार वीडियो में ऐसे मत करवा, हाँ क्यों, मैं अपनी मर्जी से धो रहा हूँ, मेरे पे कोई किसी का जोर दबाव नहीं है, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है मुझे, तो अपनी मर्जी से धो रहे हो, और बोल ऐसे रहिए वीडियो में ना, धो धो जैसे तूने मुझे काम दिया है, पागल इंसान, चल यार ये इलायची नहीं फूट रही खास से, कैमरा रख दूं पहले फिर फोड़ूंगी। तो गाइस मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं डाल रही हूँ वो क्या नाम है धनिया की डंडियां थोड़ी सी, इसे डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब डालूंगी थोड़ा सा इसमें देसी घी बस, फिर इसे उबलने रख देंगे हम, यहाँ घी उतारना पड़ेगा यार मुझे ना, बड़े झंझट लगता है। तो यार क्या सारा सामान क्या एक ही शीशे पे रख दूं, ये चाहे नीचे आ जाएगा, रख लेना अपने मुंह में, खत्म किया लाओ तो ये इसको यहाँ को रख दिया, एक चम्मच दे उठा के, मैं ऊपर चढ़ी रहूंगी जब तक, थोड़ा सा देसी घी डालूंगी, ये घर का बना हुआ देसी घी है इस वजह से इतना टाइट है, ज्यादा भूल लिया हमारे घर वाले, मैं काट रहा हूँ जूस का सामान, हाँ ये काट रही हूँ जूस का सामान, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ब्रेकफास्ट कर लिया जूस नहीं पिया, झूठ नहीं बोलते, झूठ बोल लिया, तुम झूठ बोल रहे हो गाइस। हाँ चावलों में मुझे एक चीज और डालनी है, नमक, नमक इतना डालें जितना चावलों में अच्छे से हो जाए, मैं तो ज्यादा डालने वाली हूँ, मुझे ना खाना पड़े। देखो मुझे अपने लिए बनानी होती तो मैं तो चिकन बनाती, तुम्हारे लिए बना तो रही हूँ, तो तू तो अपने ही पसंद की बना रही है, मेरी तो वो है हैदराबादी बिरयानी,
हैदराबादी तो बना रही हूँ, मुरादाबादी कब बनाई मैंने? तो नींबू तो मैंने उसमें डाल दिया अपने लिए। तो क्या वो वाली बना लेती? नहीं बनाई मैंने, तुम पसंद है ना इसलिए। हैदराबादी बनाई है, नींबू मैंने डाल लिया बस। नींबू का रस डलता है हैदराबादी में, नींबू नहीं डलते। तो मैंने क्या करा, हैदराबादी में नींबू ही डाल दिया डायरेक्ट, टेस्ट तो वही आने वाला है। तो तू बात अपने ब्लॉग में ये बोला था कि मैं शाही बिरयानी बना रही हूँ। शाही हैदराबादी बिरयानी है। गाइस इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तुम्हें अच्छा, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा था हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी, निकाल लो पे पिछले ब्लॉग में। नहीं पिछले ब्लॉग में निकाल लो तुम, तुम्हें यकीन हो जाएगा हैदराबादी है या मुरादाबादी। मुरादाबादी में तो पहले क्या रहा, मैं सारा मसाला वसाला डालेंगे, फ्राई होते हैं, फिर चावल डालते हैं, फिर बॉईल होते हैं वो चावल उसी के अंदर, समझ में आई? अब तुम सोच रहे हो कितनी टैलेंटेड है नगमा, उसको सादी बिरयानी आती है, ये सोच रहे हो ना तुम। आलू थोड़ा सा गल जाए ना, आलू की गले नहीं है, फिर हम इसको स्टॉप कर लेंगे। फाइनली हमारे चावल उबल के हो चुके हैं। ये चावलों में से मैंने ये निकाल लिया, जो भी मैंने सामान डाला था सबको मैंने बाहर कर दिया, खाली खुशबू के लिए डाला था मैंने ये। और आप देख सकते हो मेरा ये मैरिनेशन भी रेडी है। अब मैंने एक पतीला ले लिया है, पतीले में हल्का सा मैंने इसको चिकना कर लिया तेल से। अब सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी, लेयर बनाऊंगी चावल की। थोड़े से चावल डाल दिए हमने इसमें, इतू से फैला दूं इसको नीचे ना, ये डालती हूँ ना तो जल जाते हैं। तो पहले वो डलेगा, पनीर बाद में, पनीर ऊपर कच्चा डालेगा? हाँ। नहीं तल कर, पनीर भी डलेगा, पनीर तल कर सही तो सही है ना। गाइस मैं एक लेयर बना ली है, अभी मैं दूसरी लेयर तैयार कर रही हूँ। दूसरे लेयर पे मैं सारे चावल डालू की ये सारे सब्जी डाल दी मैंने, सारे में डाल थोड़े ऊपर से तेल डालूंगी बस ऊपर से, फिर मैं थोड़ी सी इसे बंद कर दूँ। बंद कर दूँ, चलो फाइनल करके दिखाते हैं। गाइस आप देख सकते हो मैंने पनीर भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है और मेरे सब कुछ रेडी है, पनीर हम ऊपर से डालेंगे ठीक है। तो गैस मैंने पनीर भी डाल दिए इसमें, अब ये हम प्याज डाल देंगे ऊपर से। मैंने थोड़ी प्याज बचा ली थी, वही प्याज है। मेरी फाइनली बिरयानी रेडी है गाइस, अब इसको खाली पर दम होने दूंगी बस। गाइस मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बिरयानी की रेसिपी समझ चुके होंगे, तो नेक्स्ट टाइम शायद मैं ना दिखाऊं ठीक है, इसलिए आप इससे मेरी ये वीडियो निकाल कर कभी भी देख लेना, बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी। बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाए थे मैंने, रहा वो मेरे पहले की वीडियो मिल जाएगा आपको, मजा आ गया। अब मुझे खाना दे दो। हाँ दे रही हूँ, तो चलिए गाइस अब थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सब कुछ रेडी है गाइस, हम निकाल रहे हैं प्लेट में खाने के लिए। देखिए गाइस हम प्लेट में डाल के देखते हैं। फाइनली हमारी बिरयानी लग चुकी है, देखिए तो गाइस खाना वगैरह खाने के बाद हम हो चुके हैं शॉप के लिए रेडी, और अब हम जा रहे हैं शॉप पर। शॉप पे से जाने के बाद आज मुझे भोजन पे भी जाना है, कि आज हमें ब्राइडल रेडी करने के लिए जाना है घर पर, वो भी
पार्लर में आ जाते तो ज्यादा बेटर रहता, पर वो घर पे बुला रही है तो कोई नहीं, हम चलते हैं पार्लर। ठीक है, फिर हम जब हम बुकिंग पे जाएंगे, जब हम आपको बताएंगे, हम पार्लर जाके आपसे मिलते हैं। ठीक है, बाय टाटा। तो गाइज हम आ चुके हैं पार्लर, और पार्लर से अब जा रहे हैं हम बुकिंग पे, तो हम आपसे मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइज हम आ चुके हैं फाइनली बुकिंग पे, और हम यहाँ पे मेकअप करने के लिए आए। मेकअप करने के बाद हम जाएंगे, तो गाइज हम जाएंगे अब शॉप पर, और वही वाली बात है जो हमारी ब्राइडल करती हैं, कुछ ब्राइडलें करती हैं जो अपना फेस नहीं देती हैं, तो आज का भी ऐसे वाला मेकअप है जो अपना फेस देने के लिए मना कर रही है। तो कोई नहीं, हम हालांकि दिखा रहे हैं कि हम बुकिंग पे आए हैं, देख रहे हो ना आप डेकोरेशन से। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं आपसे शॉप पर। गाइज हम बुकिंग पे से आ चुके हैं, और अब हम पार्लर में आ चुके हैं, और अब हम फिर जा रहे हैं बाहर। अब क्या करना है, हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइज देखो हम शॉप पे से आ चुके हैं, और ये अकेले अकेले बड़े पाव की पार्टी कर रही है। ये देखो देखो, क्लोज करके दिखा रही हूँ मैं आपको। मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, और अकेले अकेले ब्लॉग में भी नहीं बता रही गाइज को। लेकर लो देखो गाइज, ये बड़ा है, ये ऐसे अंदर करके पाव रख रखा है विद कोल्ड ड्रिंक और विद ये मिर्ची वाली चटनी और ये तली हुई मिर्च, उसने दी है सब कुछ छोड़ के। अच्छा तो आया, पर गाइस इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बड़े पाव को फर्स्ट टाइम, इतना खास नहीं होता, मत खाना आप लोग भी। खुद ने खा लिया, गाइस को मना कर दिया मत खाना। मसाला दे यार गाइस अपने तो है। और गाइस देखो कितने सारे कपड़े धोने के लिए रखे हुए, ये देखो इतने सारे कपड़े, ये सब धोने हैं करिश्मा को। हाँ अब मैं आराम करूंगी, ठीक है चलो फिर मिलते हैं। चलिए गाइस करिश्मा को खाने देते हैं बड़ा पाव, और हम करते हैं ब्लॉग स्टॉप। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।